लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलेक्स मेथड पढ़ा था। तो पैरेलेक्स मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलेक्स मेथड में हम किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हम क्या करते हैं, प्लैनेट से स्टार तक के डिस्टेंस या दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलेक्स मेथड का यूज करते हैं। और ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तुमने मैथ्स में भी पढ़ा है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा। ठीक है, अब ये थीटा जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखो ये क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलेक्स मेथड यूज करते हैं। और अगर स्मॉल डिस्टेंस हो उसको मेजर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम यूज करते हैं, इसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। अभी तुम पढ़ोगे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10^-10 को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। यानी कोई किसी 1 मीटर चीज को, ठीक है, किसी 1 मीटर चीज के तुम क्या कर दो, 1 और ये 10 बार 0 लगा दो। ठीक है, 10 बार 0 लगा दोगे तो 10 बार 0 लगाओगे तो इतने टुकड़े कर दोगे, तो जो एक टुकड़ा होगा उस एक टुकड़े को क्या बोलेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, 1 एटम के इक्वल का साइज होता है। अब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। देखो ऑलिक एसिड का जो ये एक्सपेरिमेंट है, तो अभी थ्योरी में इसको पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर पढ़ना चाहो तो देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, ओलिक एसिड जो है उसका क्या कर सकते हैं, ओलिक एसिड में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, उस मॉलिक्यूल के साइज का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। वॉल्यूम देखो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या यहाँ लेंथ की जगह क्या होगा, थिकनेस होगा। ठीक है, थिकनेस यानी वो कितना थिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे थिकनेस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही थिकनेस का इसने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे जो उसने ऑलिक एसिड लिया है वो क्या किया, इसने 20 cm³ लिया है, 20 cm³ लिया है, यानी कि उसका जो साइड है, अगर साइड लेंथ बोले तो क्या है, 20 है। इस वजह से यहाँ पे 20 से क्या किया, डिवाइड किया है। अदरवाइज अगर ये 1 cm³ होता तो हम डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड थ्योरी पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम वाइवा में पूछे तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि ओलिक एसिड ही हमने क्यों यूज किया। ठीक है, तो ऑलिक एसिड इसलिए यूज किया क्योंकि ये लिक्विड में इसकी डेंसिटी क्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और हम यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहते हैं, मटेरियल जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो और साइज भी साथ में क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, तो इस ये दोनों क्वालिटी क्या करती है, ये फुलफिल करती है। इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और दूसरा क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो देखो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल कुछ लेंथ के यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, और ये यूनिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये जितने भी लेंथ के यूनिट है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, और उनकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो वैल्यूज दिख रही है तुम्हें ये याद होनी चाहिए। तो अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या है, फर्स्ट है क्या है, फर्मी। ये फर्मी मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया था, तुमने मैं बताया था फर्मी इंट्रोड्यूस किया था, और मैंने बताया था फर्मी क्या होता है, 1 Fm = 10^-15 m होता है, 1 Fm = 10^-15 m। ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस का साइज होता है, ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस का साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले एंगस्ट्रॉम की बात की, तो एंगस्ट्रॉम का यहाँ देखो सिंबल क्या है, ए के ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 1 Angstrom = 10^-10 m। ये क्या होता है, 10^-10 m। क्या होता है, ये एक एटम के साइज के बराबर होता है, क्या होता है, एक एटम के साइज के बराबर होता है, और ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो न्यूक्लियस और एटम के साइज में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है।
ठीक है। तो इस चीज को अभी जब हम एटम एंड न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इसको दोबारा से एक बार देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की देखो क्या होता है, ये होता है एवरेज डिस्टेंस। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो सन से डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। उसको किससे डिनोट करेंगे, एयू से करेंगे। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1.496 × 10^11 मीटर होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है, 1.496 × 10^11 होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो हम ये अर्थ से सन तक का डिस्टेंस है, तो एवरेज क्यों इसने यूज किया, ठीक है। इस चीज को समझो कि इसने एवरेज क्यों यूज किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सन ड्रॉ करते हैं। तो हमारा क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक सन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्थ होगी, अर्थ क्या करेगी, ऐसे इसके इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, जो हम ये मानते हैं कि जो ये जो शेप होती है, ये जो शेप तुम देख रहे हो, ये जो शेप देख रहे हो, ये शेप कौन सी होती है, एलिप्स की होती है। और हम ये मानते हैं कि एलिप्स के क्या होते हैं, दो फोकाई होते हैं, ठीक है। एलिप्स के क्या होते हैं, दो फोकाई होते हैं। तो दो फोकाई होते हैं, और सन क्या होता है, किसी एक फोकाई के ऊपर, एक इधर रखा हो जाता है या इधर। मैंने अभी तो तुम्हें सेंटर में बना दिया, ये सेंटर में होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, या तो इधर होगा या फिर क्या होगा, इधर होगा। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या देखो, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि जो अर्थ है वो क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। अर्थ क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। एंड जो इलिप्टिकल पाथ होता है ना, उसका दो फोकाई होता है, एक फोकाई इधर होगा और एक फोकाई इधर होगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सन क्या है, किसी एक फोकाई के ऊपर है, ठीक है। तो वो फोकाई वन यहाँ पे भी हो सकता है, और ये फोकाई वन फोकाई टू पे भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं तुम्हें मैथ्स में एलिप्स पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें इस फिगर के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, हमारा अर्थ है। तो अर्थ से जब यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और जब यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगा, यहां से डिस्टेंस जो आएगा वो बी आएगा। और ये दोनों दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कहाँ पे करते हैं, मेजर एक्सिस पे करते हैं। देखो इसके दो एक्सिस बने, एक ये एक्सिस बनेगा और एक ये एक्सिस बनेगा। तो मेजर एक्सिस पे जब अर्थ होती है, यानी अभी एक बार मेजर कर लिया और फिर 6 महीने बाद, क्योंकि कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को कितने लगते हैं, 12 महीने लगते हैं, ठीक है। तो 6 महीने क्या होगा, वो दूसरे दूसरी तरफ होगी, तो वहां से हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और फिर इन दोनों डिस्टेंस का, इन दोनों जो डिस्टेंस है हमारे पास, a+b/2, इनका क्या कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। और ये जो मीन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, हेलो, यस, ठीक ठीक है। किसी को डाउट हो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कि क्या है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब हम पढ़ते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, देखो इसका जो नाम है वही इसका डेफिनेशन है। लाइट एक साल में, यानी वन ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, वन लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, वन लाइट ईयर। तो देखो तुम्हें ये पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10^8 होती है। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में करेगा। तो मैं तुमसे पूछूं, 1 घंटे में कितना करेगा, तो तुम क्या करोगे, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। और फिर मैं तुमसे बोलूं 1 दिन में कितना करेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर 1 साल बोले तो कितना करोगे, 365 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 × 10^8 को मल्टीप्लाई किया 3600 से, 36 को मल्टीप्लाई किया 24 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 365 से। इन पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वन लाइट ईयर डिस्टेंस।
ध्यान दो, लाइट ईयर नाम से तो लग रहा है टाइम का यूनिट है, बट ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, ठीक है, लेंथ का यूनिट है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ध्यान देना, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये टाइम का है, बट ये टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.46 × 10⁻¹⁻ मीटर होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? वन लाइट ईयर डिस्टेंस होता है। देखो हमने क्या किया है, अर्थ क्या करता है, अपने एलिप्स पे क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस उसके ऑर्बिटल पाथ का क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या करें, इसके रेडियस से अगर मैं बात करूं, इसके रेडियस से, तो रेडियस इसका कितना होगा, ये है। देखो एंगल सब्सटेंड करेगा, तो ये एंगल जो सब्सटेंड करेगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं ये 1 डिग्री है। थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी को बोलते हैं 1 पार्सेक, ठीक है। तो 1 पार्सेक क्या बोलते हैं, जब क्या करे, अर्थ का ऑर्बिटल, ये जो अर्थ का ऑर्बिटल जो डिस्टेंस है वो क्या करे, 1 सेकेंड एंगल बनाए, क्या करे, 1 सेकेंड एंगल बनाए, उसे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक, ठीक है। तो 1 पार्सेक क्या है, जब तुम्हारा अर्थ क्या ऑर्बिट क्या बनाए, 1 सेकेंड का एंगल बनाए, 1 सेकेंड, सेकेंड में डबल क्या आता है हमारा, टिक आता है, तो डबल टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबको एक बार दोबारा से क्या कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो 1 फर्मी क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस का साइज है, और ये किसके इक्वल होता है, 10⁻¹⁵ के मीटर के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये क्या होता है, 10⁻¹⁰ मीटर के इक्वल होता है, और ये एटम का साइज है। फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस है सन का अर्थ से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.496 × 10⁻¹ⁱ मीटर होती है। ये यूनिट, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, क्या करे, एक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक साल में, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ध्यान रखना 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की नहीं है, ध्यान रखना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्सेक की बात करें तो जो पार्सेक क्या होता है, जब अर्थ का ऑर्बिट क्या करे, 1 आर्क, ठीक है, 1 आर्क सेकेंड, या फिर बोलो सिर्फ 1 सेकेंड एंगल सब्सटेंड करे, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक बोलते हैं। और पार्सेक की वैल्यू कितने, किसके इक्वल होती है, 3.08 × 10⁻¹⁶ के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ स्पेशल यूनिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को मेजर करने के लिए हम क्या, जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट करते हैं। इसको क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको केमिस्ट्री में अभी तुम डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। एंड जो मास को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, बैलेंस है, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई भी वेट मेजर करना हो तो तुम क्या यूज करते हो, बैलेंस यूज करते हो। जैसे कि तुमने देखा होगा सब्जी वाले के पास जाओगे तो जो तराजू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। ऐसा ही है कि बैलेंस तुम्हारे क्या होगा, लैब में होगा, और वो बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, शीशे से चारों तरफ से क्या होता है, कवर होता है, ताकि एयर की वजह से क्या हो, कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है। बैलेंस का डायग्राम मैं तुम्हें दिखा दूंगा बाद में कैसा दिखता है, और लैब में तुम जब प्रैक्टिकल करोगे तो तुम खुद भी देखोगे। नेक्स्ट ये क्या है, ये तो नॉर्मल वेट को मेजर करने के लिए जो डेली बेसिस में हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है, कभी कभार बिल्कुल एटॉमिक पार्टिकल को भी मेजर करना होता है। तो एटॉमिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। एटॉमिक पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं। ध्यान दो, ये जो तुम्हारा जो इस चैप्टर्स में तुम यूनिट्स पढ़ रहे हो, डिवाइसेस के नाम पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे जो पेपर में MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पहले इनसे क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है, बट अब MCQ बनना शुरू हो जाएगा कि अब एग्जाम क्या होगा, तुम्हारे MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो MCQ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ किसका मेजरमेंट करता है, ठीक है, या फिर तुमसे पूछ ले
कि अच्छा जो हमने ये यूनिट्स पढ़े हैं उस यूनिट्स में तुमसे ये भी पूछ सकता है कि 1 parsec कितने लाइट ईयर के इक्वल होगा, 1 parsec कितने लाइट ईयर के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है मीटर में है, दोनों क्या है मीटर में है, तो हम क्या कर सकते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें कन्वर्ट करके बताना कि 1 parsec कितने लाइट ईयर के इक्वल होता है, ठीक है, और 1 astronomical unit कितने लाइट ईयर के इक्वल होता है, 1 astronomical unit कितने लाइट ईयर के इक्वल होता है, ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बता दिए नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ मास दे रखे हैं, जिनके रेंज दे रखे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 10^-30 के रेंज में होता है, ठीक है। हालांकि इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो वो होती है 9.7 × 10^-31 होती है, बट हमने अप्रोक्सीमेट रेंज की बात की है, तो ये 9 है, ठीक है, तो 9.7 है, तो अप्रोक्स 10 के इक्वल है, इस वजह से इसने क्या कर दिया 10^-30 लिख दिया, ठीक है। प्रोटोन होता है वो क्या होता है 10^-27, ठीक है। तो ये वाले तुम साइज है, तो चाहो तो तुम साइज एक बार क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि किस साइज का किस मटेरियल का कितना रेंज होता है, कितना मास होता है अप्रोक्स, ठीक है। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम अपने इंटरेस्ट के पर्पज से क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो। एंड साथ में तुम ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो सन का है, सन का भी वेट है, हमने क्या कर रखा है मेजर कर रखा है, ठीक है, उसकी रेंज कितनी होती है 10^-30 के रेंज में होती है, और जो हमारे यूनिवर्स है वो 10^-55 के रेंज में होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर रखा है मेजरमेंट कर रखे है, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेना चाहो तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीजियम क्लॉक यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं सीजियम क्लॉक, या फिर हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट बताता है, ठीक है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, बट उन घड़ियों में तुम देखोगे ना तो तुम अपनी घड़ी देखोगे तो उस घड़ी में या तो तुम्हें लिखा होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिखा होगा, या सीजियम क्लॉक करके क्या होता है तुम्हारे रिस्ट वॉचेस बने होते हैं, ठीक है। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टाइम का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीजियम क्लॉक या फिर एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो जो हमारे इवेंट हुए हैं अब तक, जब उन सब का टाइम कितना लगता है। तो जैसे कि एक कोई अनस्टेबल पार्टिकल है, अगर क्या है कोई अनस्टेबल पार्टिकल है, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन क्या होता है, कोई चीज बनी और डिस्ट्रॉय होने में कितना समय लगा, दैट इज लाइफ स्पेन, ठीक है। तो वो कितना होता है 10^-24, ये बहुत ही कम सेकेंड हो, बहुत ही कम समय है, तुम बस देखो क्या वो तुरंत अपने आप क्या को क्या कर देगा, एक्सप्लोड कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। पीरियड ऑफ एक्सरे, ठीक है, ये तुम्हें क्या दे रखे हैं, कुछ टाइम पीरियड्स दे रखे हैं, बस इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम पढ़ सकते हो, अदरवाइज तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पीडीएफ तो तुम लोगों के पास अवेलेबल ही है, तो आराम से तुम पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे हमने बात की एज ऑफ यूनिवर्स, तो एज ऑफ यूनिवर्स क्या है 10^-17 सेकेंड्स के रेंज में है, ठीक है। और एवरेज लाइफ स्पैन जो ह्यूमन का हम बोले तो वो क्या होता है 10^-9 सेकेंड्स के रेंज होता है, ठीक है। तो ये बस तुम इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना कि नॉलेज पर्पस के लिए, अदरवाइज तुम्हारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ठीक है। क्या आ गया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो देखो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेट किसी चीज को कैसे बोलते हो कि वो किसी ट्रू वैल्यू से, यानी जो करेक्ट वैल्यू है उसके कितना ज्यादा पास है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी क्या होता है, मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू कोई एक हम मान लेते हैं, सपोज करो ये ट्रू वैल्यू है 3.678, ये क्या है हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और तुमने क्या किया, मेजर किया, ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने मेजर किया, एक स्टूडेंट ने मेजर किया 3.5 और एक स्टूडेंट ने मेजर किया 3.38, तो हम क्या देखेंगे कि ये 3.5 क्या है, इसके ज्यादा क्लोज है, 3.5 क्या है, इसके ज्यादा क्लोज है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस स्टूडेंट, मतलब ये जो स्टूडेंट है, इसके स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, इस स्टूडेंट की
ऑब्जर्वेशन क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, यानी ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा उतना हम क्या बोलेंगे, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। और अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो उसकी गलती क्या होगी, कम होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एरर कम है। एक्यूरेट ज्यादा है और एरर क्या है, कम है, ठीक है। बट जिस स्टूडेंट ने 3.38 मेजर किया है, जिस स्टूडेंट ने 3.38 मेजर किया है, ये ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, ये ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, बट हम इसको बोलेंगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब समझो, प्रिसाइज क्या होता है, रिजोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है प्रिसाइज, रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन का मतलब है कि देखो जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा तो मैं थोड़ा एक बार बता दूं, या केमिस्ट्री में मैं भी पढ़ लिया होगा, तो इसको समझो कि इस डिजिट्स में कितने, ये जो हमारा डिजिट था 3.678, इसमें कितने नंबर है, चार नंबर है, ठीक है। और जो 3.5 जिसने ऑब्जर्वेशन दिया उसने कितने नंबर बताए, दो नंबर बताए। बट ये जो दूसरा है 3.38 वाला, इसने क्या किया, तीन नंबर बताए। तो इसने क्या किया, ज्यादा नंबर बताए, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बताए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज ज्यादा है, ठीक है। तो प्रिसाइज में क्या बोलते हैं, हम रिजोल्यूशन बताते हैं कि कितने डिजिट्स तक वो मेजर कर चुका है, ठीक है। तो दिस इज प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में किसी को दिक्कत है, बताओ। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3.8 लिया और दूसरा क्या है 3.38 लिया, तो इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन क्या हो गया, इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। डिफरेंस समझने की गलती मत करो उसको, ये डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हें रिजोल्यूशन बताता है कि देखो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जैसे मीटर स्केल है, ठीक है। मीटर स्केल क्या कर सकता है, मीटर स्केल से हम छोटा से छोटा कितना मेजर कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल से क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, यानी कि 0.0 मतलब दो डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख दो तो दो डिजिट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर मैंने वर्नियर कैलिपर बताया तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सेंटीमीटर से भी ज्यादा यानी मिलीमीटर तक वो मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का अभी तुम पढ़ोगे जब एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा, ये क्या कर देता है, ये मेजरमेंट मिलीमीटर तक देता है, ठीक है। तो अगर ये मिलीमीटर तक देख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये डिवाइस क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है, यानी कि ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ये हमें वैल्यू बताएगा। और ये सिर्फ कितने में बताएगा, दो डेसिमल यानी कम पे बता रहा है। तो मैं इसको जो वर्नियर कैलिपर है या स्फीरोमीटर है, इन सब डिवाइसेस को क्या बोलूंगा, ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब बस यही है। वैसे तो प्रिसाइज बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर या जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कोई सी वैल्यू की रीडिंग मिल रही है, दैट इज प्रिसाइज, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होता है, ये डेसिमल प्लेसेस नहीं देखता, हमारे ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है उसको देखता है। आया समझ में, ठीक है। इसका एक और अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो तो यहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है। एक व्हाइट डैशबोर्ड ले, अगर सपोज करो जो जिसपे तुम निशाना लगाते हो, तो वो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्या होते हैं, सर्कल बने होते हैं जिसमें तुम निशाने लगाते हो, उसपे क्या होते हैं, बनने लगे हैं, ऐसे सर्कल बनने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे निशान लगा रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा निशाना गया, ठीक है, तो तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, यहाँ पे गया तो तुम क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। बट अब तुमने क्या किए, तुम निशाने लगा रहे हो, हर बार क्या कर रहे हो, तुम यहीं पे ला रहे हो, ठीक है। हर बार तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा जो निशाना लग रहा है इसी रीजन में लग रहा है, या तो यहाँ लग रहा है या यहाँ लग रहा है, बट इसी रीजन में लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में तुम एक्यूरेट तो नहीं हो, बट तुम क्या हो, प्रिसाइज हो, यानी जितने बार तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हर बार तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम्हारे मशीन में कोई गड़बड़ है, ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हारे क्या हो रहा है कि जितने बार तुमने सॉल्व किया है हर बार तुम क्या कर रहे हो, इधर ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, तुम यू आर मोर प्रिसाइज, ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं हो, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, यानी कि कब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और बार बार हमारी रीडिंग सेम, एक पर्टिकुलर डेटा कोई दे, बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार वैल्यू वही आ रही है,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में किसी को दिक्कत है तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। तुम्हारे पेपर में बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों देख सकते हो।